दोस्त दोस्त के साइकिल में कुछ प्रॉब्लम था, वो तो सही कर दिया। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पीछे पीछे। ये फाइनली अब हम लोग रवान दवाएँ अपने मंजिल की तरफ। तो सबसे पहले सफ़र का दुआ लाजमी है, सुभान अल्लाह सफ़र अल्लाकुन रबिन। हम अपने अल्लाह के भरोसे मंजिल की तरफ रवान दुआएँ, हमारी मंजिल आसान फरमाएं, जितनी भी मुश्किलात हों सब मुश्किलात अल्लाह ताला आसान फरमाएं। अभी बस तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग यही कोई आधा घंटा में लगेगा बोलेदा के रास्ते में पहुँचने के लिए। इतना दूर नहीं है ये मेन रोड को, जैसे ही पकड़ेंगे फिर मेन रोड आएगा। यहाँ से कच्चा नहीं है, मीन्स के रोड VIP रोड बने हुए हैं, मगर तुरबत का जो सिटी का रोड है वो सिर्फ नहीं बना हुआ, बाकी जो बाहर के रोड हैं वो सारे बने हुए हैं। जस्ट ये बस सिटी का नहीं बना हुआ, बस बाहर के रोड बने हुए हैं। तो लोगों को बहुत काफ़ी मुश्किलात हुई हो रही है बोलेदा में पहुंचने के लिए, और आने जाने में बहुत सारी मुश्किलात हो रही है, क्योंकि एक रास्ता है जो कि वहाँ के मिनिस्टर भी ये जो MP हैं वो सारे बोलेदा के हैं, और जितने भी लोग हैं MP है मिनिस्टर सब बोलेदा के हैं, मगर फिर भी अपने इलाके के लिए काम नहीं कर रहे हैं, काम सुस्ती से कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट के तहत में आया था बोलेदा, मगर उस तरीके से मैंने वीडियो नहीं बनाया, मगर आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बोलेदा के रास्ते आप लोगों को दिखा सकें। और ये सिटी जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो मिनिस्टर ये जो पैसे का रहे हैं इनकी पोल खोलने के लिए, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। अभी हम लोग फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोलेदा के रास्ते पकड़ लिए हम लोगों ने, मीन्स के ये जो रोड है ये रोड सिर्फ और सिर्फ बोलेदा की तरफ जाता है। और बोलेदा मेरे ख्याल से अलग एक डिस्ट्रिक्ट या ज़िला है मेरे ख्याल से, या है या नहीं आप लोग खुद मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर बोलेदा का जो रोड बन रहा है वो काफ़ी खूबसूरत बन रहा है। मैं तो उसी रोड के चक्कर में जा रहा हूँ, और जो सिटी प्रोजेक्ट हैं जो कल या परसों सैलाब हुआ था उसी के सिलसिले में मैं बोलेदा जा रहा हूँ। और बोलेदा को जो रोड है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रोड बने हुए हैं बोलेदा के। और मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में अगर अच्छी वाली ये पहाड़ वाली जो रोड है ना, तो बोलेदा के अलावा मेरे ख्याल से और किसी में भी नहीं है, जो मैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे और यूट्यूब पे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे ये जो वीडियोस में देख रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं जो मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे देख रहा हूँ। पर इंशाल्लाह ताला आज मैं भी इस रोड का वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी खुशी हो रही है कि बोलेदा एक गाँव है, यानी कि शहर है, एक गाँव है जहाँ पर बिजली की भी कमी है और इंटरनेट की भी बहुत कमी है। और माशाल्लाह से बोलेदा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, और ये चांद पे भी गए हैं, और माशाल्लाह बहुत होनहार तालिबे इल्म हैं बोलेदा से ताल्लुक़ रखने वाले।
हम लोगों ने तो अभी ये फाइनल कर दिया कि हम लोग पीछे जाएंगे, पीछे जहाँ पर हमारा वहाँ पर पॉइंट है उसको उधर हम बैठेंगे, उधर चाय बनाएंगे। सबसे पहले हमारे दोस्त चीबू दोस्त के साइकिल में कुछ प्रॉब्लम था, वो तो सही कर दिया। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पीछे, पीछे ये उतराई है, उतराई में सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले ब्रेक लगाएंगे और गियर ये कुछ भी नहीं डालना है, बस आराम आराम से। देखो 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 आराम आराम से जाएगा भाई, रोड ही ऐसे हैं, खूबसूरत रोड ही ऐसे हैं ना, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ चढ़ाई के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, बाकी उतराई में कुछ भी नहीं करना है। बस स्विच बंद करो, 40 की स्पीड पे ये जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ से पीछे जाएंगे, बस बस इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था, ठीक है, खत्म हो गया था।